हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। मैं रीना मैम स्वागत करती हूं आप लोगों का। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग की वैकेंसी आ गई है टीजीटी पीजीटी की। ओके, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। तो अगर एक अपनी बेहतर तैयारी के लिए हम लोग बात करते हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, प्रैक्टिस करना चाहिए। वैसे तो इस समय हमारी क्लासेस नहीं चल पा रही है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं गांव में आई हुई हूँ और आप लोगों को मैंने शायद ये सूचना भी दी थी कि मैं गांव में हूँ, इस वजह से क्लास नहीं चल पा रही है। यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग को पता भी है कि यूपी के गाँव में कितने ज़्यादा नेटवर्क इशू होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा इशू आ रहे हैं आप लोग के क्लासेस में। तो हम लोग 4 बजे, जो कि आप लोग को पता है कि 4 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट को किया करते थे, लाइव जो है प्रैक्टिस सेट करते थे, तो इस समय वो नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलेंगे, लेकिन जल्द ही हम क्लासेस को शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो है ये आप लोग को मिलता रहेगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप भी अगर अपनी एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, हमसे जुड़ना होगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग का। ये जो आप लोग का क्वेश्चन सीरीज है, ये शिल्पी से मैंने लिया हुआ है। ठीक, जो अनसॉल्व आप लोग का शिल्पी आता है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने उससे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है। जो कि आप लोग को भी पता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम जो है हमें ऊर्जा देती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का जो प्रत्येक ग्राम होता है वो हमें कितनी ऊर्जा देती है, ये आप लोग को बताना है। ओके, तो ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग के सामने जो है, ओके, आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन जो आपका है, पहले ऑप्शन में 4 कैलोरीज, ठीक, या 5 कैलोरी देता है, या 7 कैलोरी देता है, या 9 कैलोरी देता है, ये आपको बताना है। ओके, ये आपको बताना है कि कितनी कैलोरी ऊर्जा ये कार्बोहाइड्रेट का जो एक ग्राम होता है वो हमें कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग आंसर देंगे, ओके, आप लोग आंसर देंगे कि कितने ग्राम ऊर्जा देता है। तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें आपका हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और इसका अनुपात वही होता है जो जल में होता है। ठीक है, तो इसका अनुपात वही होता है, 2:3 का ही होता है, और इसलिए ये हमें ऊर्जा कितना देता है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका जो होगा, 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का अगर एक ग्राम हम लोग लेते हैं तो उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो आप लोग बताएंगे 4 मिलेगी। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है कि नवजात शिशु की हृदय गति होती है। ठीक, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ए है 70 से 90 प्रति मिनट की होती है, या आप लोगों का 80 से 110 मिनट होता है, या 90 से 110 प्रति मिनट होता है। ठीक है, या आप लोगों का जो है हृदय गति 120 से 140 होता है, ये आपको बताना है। और साथ ही आप लोग बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग को मेंशन करना है कि एक समान व्यक्ति का हृदय गति कितना होता है। ओके, ये आप लोग को कमेंट में मेंशन ज़रूर करना है कि आप लोग एक समान व्यक्ति का जो हृदय गति होता है वो कितना होता है। तो नवजात शिशु की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों का राइट आंसर जो होने वाला है वो आप लोगों का डी होने वाला है। 120 से 140 प्रति मिनट जो है एक नवजात शिशु का हृदय गति होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। अगर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो बालक का मन एक खाली प्लेट या टेबुला सारा है, या कथन या विचार किसने दिया है, ये आपको आंसर देना है। कि जो बालक होता है, एक जो नवजात बालक होता है, उसका जो मन होता है वो खाली स्लेट होता, स्लेट बोलिए या टेबुला सारा, ठीक, या शब्द या स्टेटमेंट किसने दिया है, ये शब्द को आपको बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जॉन लॉक ने, या पावेल ने, या प्लेटो ने, या चार्ल्स डार्विन ने। तो आपको आंसर देना है कि किसने दिया है। तो आप लोग का जो आंसर होगा, राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है
जॉन लॉक ने दिया है। ठीक है, जॉन लॉक कौन थे? तो ये एक दार्शनिक थे। क्या थे? एक दार्शनिक और राजनैतिक विचारक थे। ठीक है, तो इन्होंने जो इनका एक बुक था, ठीक है, एजेस कंसिंग हुमैन हुमैन अंडरस्टैंडिंग, जो इनका एक बुक था कैंसेज कंसिंग हुमैन अंडरस्टैंडिंग, जो इनका बुक था उसमें इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था कि बालक का जो एक मन होता है वो खाली प्लेट की तरह होता है। तो किसने दिया था? तो इसका तीसरे का राइट आंसर आपका एक ही साथ चला जाएगा। ओके, चलिए फोर नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। क्या इंगित करता है? आपको बताना है कि वो धागे का आकार बताता है, धागे की संख्या बताता है, या धागा की जो दृढ़ता होती है उसकी मजबूती है वो बताता है, या फिर आपका धागे के जो घुमाव होता है उसको बताता है। डी ऑप्शन होगा, धागे की समानता, एक समानता को बताता है। तो आप लोग को राइट आंसर देना है कि जो एक धागा होता है उसका जो भार प्रति लंबाई या लंबाई प्रति इकाई होता है वो क्या इंगित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि उसका धागे की संख्या बताती है। क्या बताती है? धागे की संख्या बताती है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। ओके, देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको आंसर देना है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण में? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको देना है कि इसका पहला है आपका जो ऑप्शन है लोहा, लोह तत्व एवं जिंक, या लोह तत्व एवं कैल्शियम। सी ऑप्शन आपका होगा लोह तत्व एवं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड कौन सी विटामिन है ये भी आप लोग इसमें मेंशन करेंगे। ओके, लोह तत्व एवं एस्कर्बिक एसिड। ओके, लोह तत्व एवं एस्कर्बिक एसिड, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका क्या है? सी आंसर है। ठीक है, इसका क्या आंसर होने वाला है? तो आप लोग बताएंगे सी आंसर है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो दो तत्वों की आवश्यकता होती है वो आपका होता है लोह एवं फोलिक एसिड। ठीक है, तो इसके दो तत्व होते हैं। आप लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है जो आपका हीम होता है। ओके, हीम का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग हीम का अर्थ बताएंगे कि आयरन होता है। ठीक है, लोही होता है, आयरन होता है, और ग्लोबिन का अर्थ जो होता है प्रोटीन, या आप लोग कहिए कि अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? तो आप लोग बता सकते हैं अमीनो एसिड होता है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ओके, चलिए अब आप लोगों के स्क्रीन पे जो नहीं आ रहा है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है। बीटा स्पॉट की कमी से होता है, जो एक बीटा स्पॉट होता है। ठीक है, बीटा स्पॉट किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक, आप बताएंगे आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, या फिर आप लोग का कैल्शियम की कमी से होता है। तो बीटा स्पॉट अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन जो आप लोग का, ओके, तो जो है विटामिन ए यानी कि रतौंधी जो होती है, रतौंधी का जब ये एक स्टेप है, ओके, रतौंधी तो सबसे पहला स्टेप होता है, लेकिन बीटा स्पॉट जो होता है वो आँख में आपके इस तरह से, ठीक है, आँख में कुछ इस तरह से जो है एक स्पॉट पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो वही आपका होता है बीटा स्पॉट। ठीक, तो ये एक रतौंधी के बाद के स्टेट को होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं। और ये किसकी कमी से होता है? आप लोग को भी पता है रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो राइट इज आंसर आप लोग का क्या होगा? विटामिन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आप लोग के स्क्रीन पे। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है अनुसंधान अध्ययन या विश्वसनीयता है, संचार माध्यम है, या अभिलेख है। तो आपको बताना है कि जो प्रसार शिक्षा में एक मूल्यांकन का उपकरण होता है वो क्या होता है। आप लोग ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पे आप लोग बताइए कि अनुसंधान अध्ययन होगा कि विश्वसनीयता होगा या संचार माध्यम होगा या अभिलेख होगा। तो उसका एक जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं उसका सबसे बड़ा अगर देखा जाए उपकरण जो होता है वो आप लोग का अभिलेख होता है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो डी होगा। ओके,
एट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग बताइए। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है, यानी कि आप लोग को बताना है कि जो आपका एक संकेत होता है, ठीक है, वो अशोधित मृत्यु दर होता है या शिशु मृत्यु दर होता है या मातृ मृत्यु दर होता है या बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष, यानी कि सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में, ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। एक सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये महत्वपूर्ण सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है, कौन सा संकेत आपका सबसे महत्वपूर्ण है, कि कौन सा संकेत आप लोग का महत्वपूर्ण है, ये आप लोग को बताना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है, अशोधित मृत्यु दर हो रहा है या शिशु मृत्यु दर हो रहा है या मातृत्व मृत्यु दर हो रहा है या बाल मातृत्व मृत्यु दर है जो कि 0 से 5 वर्ष होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का डी होगा। ओके, डी जो होता है यही एक सबसे बड़ा संकेतक अगर देखा जाए तो यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 0 से 5 वर्ष के बच्चों का जो मृत्यु दर के स्तर को देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही हमारे भारत के लिए समस्या बनी हुई है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन क्या है, आवश्यक वसीय अम्ल है या अनावश्यक वसीय अम्ल है या आवश्यक अमीनो अम्ल है या आप लोग का अनावश्यक अमीनो अम्ल है, तो आंसर आप लोग को बताना होगा 9 का कि आपका ट्रिप्टोफेन क्या है। तो जो ये इसका आंसर क्या सही होने वाला है, तो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा, जो आप लोगों ने अगर प्रोटीन का चैप्टर पढ़ा है तो प्रोटीन कितने तत्वों से मिलकर बनता है, तो 20 होता है। एक आपका आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, तो आपका ट्रिप्टोफेन जो है ये अमीनो अम्ल का एक प्रकार है। ओके, क्या है, एक अमीनो अम्ल का प्रकार है, ठीक। तो राइट आंसर आप लोग का सी होगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है, अंतिम चरण क्या है आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप नेट का पेपर दे रहे हो TGT का, ठीक है, चाहे आप नेट का पेपर देने जाएं उसमें तो आपको अरेंज करने के लिए आता ही आता है, साथ में आपके PGT की बात हो या आपके TGT की बात हो या आपके LT की बात हो, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको देना है कि प्रसार शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की अंतिम चरण क्या है, आपको ये बताना है। ध्यानाकर्षण है, ठीक है, ध्यानाकर्षण होगा कि संतोष होगा कि इनमें से, अच्छा डी नीचे होगा, कार्यवाही होगा और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर सबसे ज़्यादा होता है कि जब हम प्रसार कार्य कर रहे हैं, जब हम उसमें सीख रहे हैं, तो सीखने के बाद सारा मूल्यांकन वगैरह होने के बाद मेरे मन को क्या शांति संतुष्ट मिल गया, हम उस चीज़ से संतुष्ट हैं कि नहीं है। जब हमें संतोष मिल जाता है तो वही समझ जाइए हमारे अधिगम का अंतिम चरण होता है। तो अंतिम चरण आपका जो होगा संतोष होगा, तो कहने का मतलब है राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आगे आप लोग का डैश दिया हुआ है, आपको यहाँ पे भरना है। वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो कि सार्वभौमिक दाता कहलाता है, ये आपको बताना है। ओके, जो ए ग्रुप का होता है, ओके, जो ए ग्रुप का व्यक्ति होता है वो सार्वभौमिक दाता होता है, या आपका बी ग्रुप का जो व्यक्ति होता है या ए बी या ओ रक्त वर्ग के सर्वदाता कहलाते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का जो होने वाला है वो आपका बी है, ठीक है। बी एक ऐसा है कि जो सभी प्रकार के व्यक्ति को, चाहे उसका ब्लड ग्रुप आप लोगों का ए हो या बी हो या ए बी हो, वो सभी को क्या कर सकता है, अपने ब्लड को डोनेशन दे सकता है, यानी वो दे सकता है। ओके, डोनेट कर सकता है। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जब बालक 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का, ठीक, डैश है, आपको बताना है कितना गुना होता है, कितना गुना बढ़ जाता है, ये आपको आंसर देना है। ओके, कितना गुना बढ़ जाता है, ठीक, आंसर आपको देना है कि कितना गुना उसका भार बढ़ जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका भार कितना गुना बढ़ जाता है, ये आपको ऑप्शन देना है। पहला ऑप्शन आपका जो होगा
तीन गुना होता है या पाँच गुना होता है, दो गुना होता है या चार गुना होता है। तो राइट आंसर आप लोगों को पता है, बहुत इजी, बहुत चिंदी सा आप लोग का क्वेश्चन है कि तीन गुना, जो बालक का जब जन्म होता है तो उसका जब जो भार होता है, जन्म के समय जो भार होता है, और जब बालक एक वर्ष का हो जाता है तो उस समय का भार उसके जन्म के समय के भार से कितना गुना बढ़ जाता है, तो तीन गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है तो आप लोग बताएंगे, तीन गुना बढ़ जाता है। ओके, चलिए राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है एक हल्का कार्य करने वाली, ठीक, एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुष्टि आहार ये आवश्यकता होती है। यानी कि एक जो आप लोग का हल्का कार्य करने वाली स्त्री होती है, उसके जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है वो कितना होगा, ये आप लोग को बताना है कि उसका कितना होगा। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है जो है कि वो कितना होगा। 13 नंबर था आप लोग का ये थोड़ा से, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है कि उसका रिक्वायरमेंट कितना होता है। तो आप लोग के स्क्रीन पे ऑप्शन दिया गया है, 1275 किलो कैलोरी होगा, या 1650 किलो कैलोरी होगा, या 1450 किलो कैलोरी होगा, या 1875 किलो कैलोरी ऊर्जा होगा। आंसर आप लोग को बताना है, इसका आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों के ऊपर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ, आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका होगा, यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप पहनेंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्त्री जो है वो मोटी है, ठीक है, मोटी है और प्लस छोटी भी है, तो उसकी अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए और अपने आप को पतला दिखाने के लिए उसे कैसे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, चुन्नतदार स्कर्ट एवं ब्लाउज का, या चौड़ी प्लेट युक्त स्कर्ट और ब्लाउज का, या पूर्ण लंबाई का परिधान जिससे कट प्रिंस लाइन हो, या पूर्ण लंबाई का परिधान छोटी पॉकेट के साथ। ठीक, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, राइट आंसर आप लोग को बताना है इसका क्या होने वाला है। तो राइट आंसर इज आप लोग का सी होगा। क्या होगा, तो आप लोग का सी आंसर जो होगा ये बिल्कुल सही होगा कि आपका जो पूर्ण लंबाई का एक परिधान लेंगे जिसकी कट प्रिंट लाइन हो, यानी कि जिसका इस तरह से लंबाई में हो और उसका पूरे एक जो परिधान हो पूरा लंबाई में हो, तो वो क्या करेगा, आपकी हाइट को भी दर्शाएगा प्लस आपकी जो मोटापा है उसको भी कम करके दिखाएगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक, जो एक व्यक्तित्व का जो मनोलैंगिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। सिगमंड फ्रायड ने दिया था, लेविन ने दिया था, एरिक एलेक्सन ने दिया था, या प्याजे ने दिया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। किसने, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो राइट आंसर इज आपका ए होगा। ओके, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 5 ग्राम प्रोटीन देगा, कितना देगा, 18 किलो कैलोरी देगा, 20 किलो कैलोरी देगा, या 25 किलो कैलोरी देगा, या 35 किलो कैलोरी देगा, आपको बताना है। ओके, क्या बताना है आपको कि आपका जो 5 ग्राम प्रोटीन है वो कितना देगा। तो 1 ग्राम प्रोटीन आपको कितना ऊर्जा देता है, तो आप लोग बताएंगे 1 किलो प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी देता है। तो 4 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4×5=20 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे कि आंसर आप लोग का कितना होगा, बी आंसर सही होगा। आपको 20 किलो कैलोरी, अगर आप 5 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको 20 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बालकों में होने वाले रिकेट स्ट्रोक का कारण कमी है, किसके कारण का जो है कारण से बालकों में रिकेट स्ट्रोक हो जाता है। तो इसमें देखिए आप लोग का ए क्वेश्चन जो दिया गया है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, तो राइट आंसर आप लोगों का होगा विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से आप लोग को पता है कि बालकों में क्या होता है, रिकेट्स होता है। अगर हम वहीं पे एक पोड़ व्यक्ति या वैक्स व्यक्ति की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें
ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। क्या होता है? विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। और अगर हम वृद्ध की बात करते हैं तो वृद्ध में कौन सी रोग होता है, तो आप लोग बताएंगे ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग होता है। ओके, तो इन पॉइंट को याद करिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं कि बालक में कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी, डी की कमी से, तो रिकेट्स होता है। वयस्कों में कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। और वृद्ध में कौन सा होता है, तो आप लोग बताएंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। परिधान में 36 रेखाएं क्या है, चली जाएंगी, जांची जाएंगी, ठीक है? हाँ, जांची जाएंगी, ठीक। तो वो किसको जचेगी, जचेगी लिखा गया, सॉरी, जचेगी। परिधान जो आप लोग का होता है, परिधान में जो आपकी क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो किसको जचेगी, पतली स्त्री पर या लंबी एवं मोटी स्त्री पर, या फिर मोटी स्त्री पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना है कि ये किस पे सूट करेगी। तो सबसे पहले जो क्षैतिज रेखा, मतलब कि जो रेखाएं ऐसे होती है, पड़ी रेखा, ओके, तो ये पड़ी रेखा जो होती है ये किस पे जचेगी, तो ये पतली लेडी पे जो है जचेगी। ओके, तो इसका राइट आंसर जो सही होने वाला है वो आपका क्या है, ए है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मॉइस्चराइजिंग निर्मित होता है मोरी क्या है, क्वेश्चन देख लूँ, हो सकता है, हाँ, मोरिंग निर्मित होता है रंग के प्रयोग द्वारा, नमी, उष्मा एवं दबाव द्वारा, गर्म रोलर्स द्वारा या रसायनों द्वारा। किसके द्वारा ये होता है, ये आपको बताना है, किसके द्वारा इसका उत्पन्न किया जाता है, ठीक है? तो आप लोग जो मोरिंग होता है, मोरिंग निर्मित किया जाता है जो वस्त्रों पे, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो गर्म रोलर्स के द्वारा, ठीक। तो राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है, गर्म रोलर्स के द्वारा। ओके, तो राइट आंसर आप लोग का सी होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये क्वेश्चन सीरीज खत्म होता है। आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये क्वेश्चन कैसा रहा और आपके एग्ज़ाम के लिए ये कितना ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। ओके, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।